गौतम अडानी ने आखिर पा ही लिया खोया हुआ रुतबा। कर्ज चुकाते ही पलट गई गौतम अडानी की किस्मत। 2023 में गौतम अडानी का रहा रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। जी मतलब जिस साल में गौतम अडानी को न जाने क्या कुछ झेलना पड़ा, साल 2023 के शुरू में ही अमेरिका की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को गर्त में ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी गौतम अडानी के नेतृत्व में उनके समूह का, अडानी ग्रुप्स का 2022-23 में परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है। जी 24 जनवरी को आई हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट ने जहां अडानी ग्रुप को बहुत नुकसान पहुंचाया था, उनके शेयर्स में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं अब उस खराब समय में संभल कर चलने से फिर एक बार अडानी समूह ने अपनी किस्मत पलट दी है। अडानी ग्रुप ने 2.65 अरब डॉलर का कर्ज समय से पहले ही चुका दिया और इससे फायदा यह हुआ कि ग्रुप के ज्यादातर शेयर्स में तेजी देखी जा रही है। इसी तेजी की बदौलत ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में मंगलवार को तेजी देखने को मिली और ऐसी तेजी के एशिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं गौतम अडानी। जी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ में 16 करोड़ डॉलर की तेजी आई है और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अब गौतम अडानी की नेटवर्थ 61.8 अरब डॉलर पहुंच गई है। रिपोर्ट के हवाले से पता यह भी चला है कि जहां गौतम अडानी दुनिया के 18वें नंबर के अमीर व्यक्ति बन गए हैं, वहीं चीन के झोंग शेनशेन अब उनसे एक स्थान नीचे यानी कि 19वें नंबर पर है। उनकी नेटवर्थ 61.6 अरब डॉलर दर्ज की गई है। बोतल बंद पानी का कारोबार करने वाले शेनशेन की नेटवर्थ मंगलवार को 92.7 करोड़ डॉलर से गिर गई। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 85.2 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ एशिया के सबसे बड़े रईस हैं और दूसरे नंबर पर हैं गौतम अडानी। वहीं दुनिया के अमीरों की लिस्ट में गौतम अडानी 18वें नंबर पर हैं तो मुकेश अंबानी 13वें नंबर पर हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स में अमेरिकी अरबपतियों का दबदबा बरकरार रहा। दूसरे नंबर पर 187 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ काबिज बर्नार्ड अर्नाल्ट एकमात्र गैर अमेरिकी हैं। अर्नाल्ट फ्रांस के हैं। टॉप 10 में बाकी 9 अरबपति अमेरिका के ही हैं, जिनमें टॉप पर एलन मस्क हैं 205 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ। वहीं बात हम अडानी ग्रुप की कर रहे थे जिनका ये साल भले ही शुरू ठीक से नहीं हुआ, लेकिन साल के मिड में उनके लिए बेहद अच्छी खबर ये आई कि वो फिर ट्रैक पर लौटने लगे हैं और एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। अडानी ग्रुप ने जो कंपनियों की कर पूर्व आय का आंकड़ा पेश किया है वो इस बात का उदाहरण है कि पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, सीमेंट, तेल से लेकर बिजली उत्पादन तक के क्षेत्र में कार्यरत गौतम अडानी की कंपनियों का वित्त वर्ष 2023 में जोरदार प्रदर्शन रहा है। मंगलवार को अडानी ग्रुप की तरफ से शेयर की गई जानकारी में बताया गया कि लिस्टेड कंपनियों का बीते वित्त वर्ष एबिटा सालाना आधार पर 36% बढ़त के साथ 57,219 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। ग्रुप की कंपनियों के सामने निकट भविष्य में ना तो पुनर्वित्त का कोई जोखिम है और ना ही नकदी की आवश्यकता है। वहीं अब इनमें भी खासतौर पर अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस को हुआ कितना प्रॉफिट। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस ने वित्त वर्ष 2022-23 में 2422 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इस दौरान कंपनी की आय 1 करोड़ 38 लाख रुपए दर्ज की गई। फिर आंकड़े पेश करते हुए गौतम अडानी के ग्रुप की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया कि अडानी ग्रुप पर मार्च 2023 तक शुद्ध रूप से 1.86 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। बीते दिनों ही ग्रुप ने 2.65 अरब डॉलर का कर्ज समय से पहले ही चुका दिया था। ये लोन शेयर्स को गिरवी रखकर सीमेंट सेक्टर में एंट्री लेने के दौरान अंबुजा सीमेंट्स को खरीदने के लिए लिया गया था। पर जिस एक रिपोर्ट ने अचानक से साल के शुरुआत में अडानी को सुर्खियों में ला दिया था, लगने लगा था कि अब अडानी इस सब से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिक की थी, जिसमें गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर्स में हेरफेर और कर्ज लेकर 88 गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर कोई गौतम अडानी की ही बात कर रहा था। निवेशकों के सेंटिमेंट्स पर बहुत बुरा असर पड़ा था। 2 महीने में ही ग्रुप की कंपनियों के शेयर 85% तक टूट गए थे। गौतम अडानी टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में चौथे पायदान से खिसक कर सीधा 37वें पायदान पर पहुंच गए थे। लेकिन अब अडानी
अडानी के शेयर रिकवरी स्टेज में हैं और उनकी नेटवर्थ में भी इजाफा देखने को मिला है। वो दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में 18वें नंबर पर हैं, वहीं एशिया के अमीरों की लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर हैं। वैसे गौतम अडानी ग्रुप ने जिस तरह की छलांग लगाई है, जिस तरह से गर्त में जाने के बाद खुद को संभाला है और फिर एक बार बुलंदियों को छूने के लिए ये ग्रुप बेकरार नजर आ रहा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।